हाय एवरीवन ओवर देयर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं शिव कुमार जायसवाल, ले चलता हूं आपको बहुत 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 इंटरेस्टिंग नए वीडियो की तरफ। और गाइस, आपने जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है हमारे पिछले वीडियोस को, उसको देख करके हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, एक्साइटेड हैं। और इसी वजह से हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 4x4 मैजिक स्क्वायर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपको देने वाले हैं कि आप चुटकियों में आप 4x4 का आप मैजिक स्क्वायर बनाएंगे, वो भी बहुत 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 इजीएस्ट स्टेप्स में। और अभी तक अगर आप में से बहुत लोगों ने या किसी ने अगर नहीं देखा है 3x3 का हमने जो आपको मैजिक स्क्वायर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। अगर आपका इंटरेस्ट है क्रॉसवर्ड्स में, अगर आपका इंटरेस्ट है सुडोकू में, पजल्स में, तो आपके लिए ये वीडियोस काफी काफी ज्यादा बहुत 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 ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो गाइज स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको अपने आप आपके स्मार्टफोन पर मिल जाएं। तो गाइज 3x3 का मैजिक स्क्वायर जो हमने दिया था उसमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, आपके मोटिवेटेड कमेंट्स हमारे पास में आए बहुत इजी स्टेप्स में, हमने आपको बताया था। और एक नहीं दो दो हमने मेथड्स आपको बताए थे कि आप कैसे आप 3x3 का एक जो स्क्वायर बॉक्स है वो आप मैजिक स्क्वायर बॉक्स आप बना सकते हैं। किसी भी साइड से आप ऐड करते तो वहां पर आपका आ रहा था 15, चाहे आप रोज वाइज आप ऐड करते या कॉलम वाइज आप ऐड करते तो भी 15 आ रहा था, डायगोनल वाइज आप ऐड कर रहे थे तो भी आपका 15 आ रहा था। तो आज हम यही लेकर के आए हैं 4x4 का मैजिक स्क्वायर। लेकिन एक खास बात, अब सस्पेंस है कि खास बात क्या है। तो गाइज सस्पेंस ये है कि आज का मैजिक स्क्वायर जो होने वाला है वो हम आपको लिबर्टी देंगे, छूट देंगे। क्या छूट? आज हम आपको छूट देंगे कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को आप यूज कीजिए, और जो डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो, आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका जो 4x4 का जो मैजिक स्क्वायर बनेगा उसका सम किसी भी साइड से आप चाहे रो वाइज आप ऐड कीजिएगा या कॉलम वाइज आप ऐड कीजिएगा या डायगोनल वाइज ऐड कीजिएगा, सब तरफ से एक ही आएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए बहुत 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 इजी स्टेप में हम आपको बताएंगे। हम आपको एक फॉर्मूला ही दे देंगे, एक डेडिकेटेड फॉर्मूला जिसको आप फॉलो कीजिए और उसको एक साइड में रख करके आप दूसरे साइड में फिलअप कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइज हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको वो फॉर्मूला दे दें कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हुए आप कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लिख देते हैं यूजिंग डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हुए आप ये बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं वो 4x4 का बॉक्स, मैजिक बॉक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, सेकंड, फोर्थ, और कॉलम में भी हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4, मगर ये हमारा होगा हमारा फॉर्मूला वाला। ठीक है, तो ये हम इसमें लिख लेते हैं फॉर्मूला। ये हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं कि ये फॉर्मूला आपका काम कैसे करेगा। और इसके ऊपर में आपको फिर यहां पर एक और बॉक्स हम आपके लिए बना देते हैं जिसमें आप अपने जो आपका जो फाइनली जो आप करेंगे वो आप यहां कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहां भी डिवाइड कर लेते हैं बॉक्स। ये हो गया सेकंड रो, थर्ड एंड फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड बॉक्स कंप्लीट। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला में हम फीड कर लेते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हुए बनाएंगे, तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, देखिए यहां पे हम आपको बता देते हैं। आपको जो यूज करना है, यहां पे आपको लिखाएगा आपका डेट। आप एक डेट ऑफ बर्थ आप कैसे लिखते हैं, कहीं पर अगर आप लिखते हैं तो जो उसका लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ इस तरह से। आपने बहुत जगह उसे आपने भरा होगा, तो फॉर्मूला कोई भी फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म हो, कुछ भी हो, तो आप अपना फॉर्मूला जो आप भरते हैं डेट ऑफ बर्थ वो कुछ इस तरह से भरते हैं, डेट्स, मंथ, ईयर। ठीक है, तो वही चीज हम यहां लिख रहे हैं। यहां पे हमने लिख दिया आपका डीडी यानी कि डेट, ये हो गया आपका मंथ, ये हो गया आपका सीसी यानी कि करंट ईयर को हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कि अभी आपका चल रहा है 2020। ठीक है, तो 20 आगे का 20, अच्छा आगे उससे हम नहीं समझिए, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 1984 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो सीसी 19 कहलाएगा। ठीक है, मतलब करंट ईयर जो था, जो आगे वाला ईयर सी, वो आपका होगा 19। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, यहां पे होगा आपका ईयर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बना।
मतलब आप अपना डेट ऑफ बर्थ को पहले लिख लीजिए। चलिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, हमने लिया 10 दिसंबर। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 2006, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ अगर ये है तो हम 10 हमने लिख लिया, सबसे डेट ऑफ डेट में हमको लिखना था 10, तो हमने ये 10 लिख दिया। मंथ में लिखना था 12, तो हमने 12 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा दिसंबर है डेट ऑफ बर्थ, तो हमने 12 लिख लिया है। अब जो आगे वाला साल है वो है 20, तो हमने यहां 20 लिख दिया। और पीछे वाले में ईयर लिखना है, तो ये लास्ट के दो डिजिट्स दोनों लिखने हैं, तो ये हो गया 06, हो गया। ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, और फॉर्मूला में आपको क्या करना है चलिए देखते जाइए। यहां पे अब आपको पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, वाई में आपको करना है +1, ठीक है। हम आपको पूरा फॉर्मूला बना देते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली फिर बस आप फीड करते जाएंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ईयर हो गया, यहां पे आ गया CC-1, ये हो गया MM-, आपको करना है इसमें 3, ठीक है। और यहां पे आपको करना है डेट +3, ठीक है। आई होप यहां आपको दिख रहा हो, मंथ में आपको करना था -3, ठीक है। ये हो गया DD+3। और अब चलिए थर्ड रो को हम भर लेते हैं, यहां पे आपको मंथ में आपको करना है माइनस आपको 2, ठीक है। डेट में नेक्स्ट कॉलम पे आपको करना है एड 2, फिर अगेन आपको यहां वाई में आपको ईयर में आपको करना है +2, और यहां पे आपको सीसी में आपको करना है -2, ठीक है, यानी कि करंट ईयर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1984 तो सीसी होगा 19, ठीक है, ये है सीसी, ठीक है। अगर यहां 2006 में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 20 होगा, ये होगा आपका सीसी, ठीक है, याद रखिएगा ये है आपका सीसी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहां। और चलिए अब हम लास्ट हमारा फॉर्मूला बनाया बचा हुआ है उसको भी लिख लेते हैं, CC+1, यहां पर ईयर -1, यहां पर DD+1, यहां पे MM यानी कि मंथ -1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला जो था वो तैयार हो गया। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूं ताकि अनयूजुअल चीजें यहां पे, बेकार चीजें यहां पे अभी नहीं रहे, हमारा फॉर्मूला हमने क्रिएट कर दिया, ओके। तो गाइज यहां पे देखिए अब हमारा हो जा रहा है रेडी, हमने ये कंप्लीट कर दिया। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं कि ये है डेट्स, ठीक है, ये है मंथ, ये सीसी यानी कि जो आपका साल का, जैसे आपका हो रहा है अगर डेट ऑफ बर्थ है 1974 तो 19 है सीसी और 74 है ईयर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, और अब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से करेगा कि इस बॉक्स में आपको ईयर को में 1+ करना है, सीसी में -1 करना है, मंथ में 3 करना है। चलिए करके देखते हैं और आप अपने आप समझते जाइएगा, ठीक है। तो हमने ये हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आप जरूरी नहीं है कि आप ये नंबर लें, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको फीड कीजिए और देखिएगा उसका चारों तरफ से जो एडिंग होगा वो एक ही निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली करते जाते हैं। यहां पे ईयर में हमको बोला 1+ करने के लिए, तो ईयर हमारा है 6, तो यहां पे हो गया 6+1 हो गया हमारा 7, ठीक है। अब बोल रहा है सीसी में -1 करना है, यानी कि सीसी ये है, देखिए मैं एक बार यहां लिख देता हूं आपके लिए आसानी होगा, ये हो जा रहा है डेट, ये हो जा रहा है मंथ, ये हो जा रहा है सी और ये हो जा रहा है वाई, ठीक है। अब इसको देखने से आपको आसानी होगा, तो ये हमने देखिए ईयर में हमने यानी कि 6 में हमने 1+ करने बोला था, तो हमारा 7 हो गया क्योंकि हमने 6 रखा है, 2006 है हमारा। अब सीसी यानी कि 20 में -1 करेंगे तो कितना हो जा रहा है 19, मंथ में 3+ करना है, मंथ है हमारा 12 में सॉरी -3 करना है, तो 12 में अगर हम 3- करें तो क्या हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। और यहां पे डेट में हमें प्लस करना है 3, डेट है हमारा 10, तो 10 में 3+ किया तो हो गया 13, ये रो हमारा कंप्लीट है, ठीक है, ये भी रो कंप्लीट हो चुका है, ये भी रो कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड में आएंगे, तो मंथ में यहां 2- करने बोल रहा है, मंथ कितना है 12 में 2- किए तो हो गया 10, है ना। अब यहां पे देखिए डेट में आपको ऐड करने बोल रहा है 2, तो डेट है हमारा 10 और 10 में हमें करने बोला कितना ऐड 2, यानी कि यहां हो गया 12, ईयर में हमें प्लस करने बोल रहा है 2, तो 6 है, 6 में 2+ किया तो हो गया 8, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला में पुट कीजिए गाइस,
सीसी में माइनस करने दो बोला, सीसी है 20, 20 में दो माइनस करने बोला, यानी कि हो गया 18, हो गया। ये थर्ड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया और अब लास्ट बचा है और उसके बाद में एडिंग हमारा एक लास्ट प्रोसेस बाकी है, ठीक है। तो चलिए सीसी में प्लस वन करने बोला यानी कि 20 है, 20 में 1 प्लस हुआ तो 21। ईयर में माइनस वन बोला है, 6 में हमें माइनस वन बोला यानी कि ये हो गया 5। डेट में प्लस वन बोला, डेट है हमारा 10, प्लस वन बोला है यानी कि हो गया 11। और मंथ में माइनस वन बोला, मंथ है 12 यानी कि माइनस वन हो गया 11। ये हमने एक एक करके चारों कर लिया। इस फॉर्मूला को आपको अपने सामने में रख करके करना है, अगर आप कहीं किसी अपने फ्रेंड्स को या ग्रुप में कहीं आप एक्सप्लेन करें तो इस फॉर्मूला को उनको भी दे दीजिए, सामने लिख लीजिए और उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके कीजिए, देखिएगा आपका सारा चीज सही होगा। तो अब बचा है सिर्फ टेस्ट करना, तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना सही है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इस साइड से ले लेते हैं, 10 प्लस 12 इज, ये हमारा चलिए जोड़ते जा रहे हैं, तो ये हम कहां लिखें, इसको हम यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। और यहां से हम ऐड कर रहे हैं, तो चलिए चारों को ऐड कीजिए, 10 प्लस 12 आपका हो गया 22 प्लस 42 प्लस 6 48, ये हो गया 48, ठीक है। चलिए अब इन सभी नंबर्स को आपस में ऐड कीजिए, ठीक है। तो 19 प्लस 9 आपका हो गया 28, 28 प्लस 7 हो गया आपका 35, 35 और प्लस 13, 35 प्लस 13 आपका हो गया 48, यहां भी आपका 48 आया, देखिए बिल्कुल सही। अब इस रो को कर लेते हैं, 10 प्लस 12 हो गया आपका 22, 22 प्लस 10 हो गया आपका 30, 30 प्लस 18 हो गया 48। गाइस देखिए ये भी वही है आपका, बिल्कुल आपका 4x4 का मैजिक स्क्वायर बॉक्स बन रहा है आपका। 21 प्लस 5 इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, 21 प्लस 5 आपका हो गया 26 और यहां पे 11 प्लस 11 यानी कि 22 था, तो 26 प्लस 22 ये हो गया आपका 48, यानी कि किस रो वाइज आपने ऐड किया तो आपका सभी तरफ आपका जो आंसर आया वो निकला 48, है ना। अब हम कॉलम वाइज हम ऐड करके देखते हैं और देखते हैं हमारा ये एडिशन जो है वो इक्वल आता है कि नहीं। तो यहां पे 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 41 विच इज 48, बिल्कुल सही। यहां भी आप करके देख सकते हैं, 12 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 5 ये भी 48 है, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 8 37, 37 प्लस 11 48। इधर से भी आप ऐड कीजिए, ये भी आपका 48 होगा। डायगोनल वाइज आप ऐड कीजिए, ये भी आपका 48 होगा। इस वाइज आप ऐड कीजिए, ये भी आपका 48 होगा। तो गाइज ये था आपके लिए हमारे तरफ से दिया हुआ 4x4 का बहुत 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 इंटरेस्टिंग मैजिक स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये मैजिक स्क्वायर काफी पसंद आया होगा, क्योंकि ये सबसे खास बात यहां का था कि हमने आपके डेट ऑफ बर्थ को यूज किया। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ था यहाँ पे, अगर कोई पैदा हुआ है 10 दिसंबर 2006 को तो हमने उसी इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यूज करके देखिए, वहां पे ये 48 नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। आपका डेट ऑफ बर्थ का सम जो होगा वो कुछ और होगा, लेकिन जो भी होगा वो सभी साइड में एक होगा, ठीक है। जो भी होगा, अगर आपका आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर आप सपोज 76 आ रहा है तो सब जगह 76 होगा, ठीक है। सो दिस वॉज वी फ्रॉम अवर साइड, ये था आपके लिए हमारे तरफ से 4x4 का मैजिक स्क्वायर। और अगर आपने 3x3 का मैजिक स्क्वायर, जो कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, चैनल को विजिट कीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। और वही नहीं मिलेगा, आप एक बार विजिट करके देखिए, आपको एक से एक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारा चैनल बेस्ड है बहुत 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 इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस बनाने में। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, काफी कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया हो, और वेट कीजिए और हमें बताइए कि हम आपको 5x5 का अगर मैजिक स्क्वायर दें तो कैसा हो, और वो भी फिर से दो इजी स्टेप्स में, और इतने इजी स्टेप्स में कि आप जो आज तक आप क्रॉसवर्ड्स या
सुडोकू या इस टाइप के किसी भी वर्ड से अगर आप डरते थे या आप कभी उसके पास भी नहीं पटकना चाहते थे तो आपको पहली बार आएगा बहुत बड़ा मजा। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं वहां आप हमें, आप हमारे चैनल को ले जा सकते हैं, आप वहां शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियोस को, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं उन सभी चीजों में हमारे वीडियो के साथ में। तो गाइज मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ में। दिस इज विशाल कुमार जायसवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।